बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल और बड़ी बहस के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। यूपी में इन दिनों धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है। कट्टरपंथी गैंग हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है। हिंदू बहन बेटियों को पहले तो प्यार का झांसा दिया जाता है, फिर उनके बलात्कार किया जाता है और फिर उनका कराया जाता है धर्मांतरण। लेकिन इन सबके बीच वीएचपी ने देश में हो रहे हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार, आघातों को रोकने और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ऐलान कर दिया है। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि धर्मांतरण का खेल कब होगा फेल। धर्मांतरण, लव जिहाद, हिंदुओं का पलायन, ये हिंदुस्तान में कोई नया मुद्दा नहीं है। आए दिन आपको ऐसी खबर सुनने और देखने को मिलेंगी जहां पर हिंदुओं का पलायन कराया जाता है, हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी जाती है। और ये सब कोई और नहीं करता, ये सब करते हैं विशेष समुदाय के लोग। लेकिन अब इन सबको रोकने के लिए रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध की समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश में हो रहे हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार, आघातों को रोकने और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद विहित के केंद्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि हिंदू परिवार व्यवस्था पर हो रहे चौतरपा प्रहारों और बढ़ती लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर एक व्यापक कार्य योजना बनाई। इसके अंतर्गत बजरंग दल आगामी 30 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच देशव्यापी शौर्य जागरण यात्राएं निकालेगा। इन यात्राओं के माध्यम से देश के हर कोने में रहने वाले हिंदुओं को संगठित कर उन्हें इन समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार और मौलाना एजाज अतहर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये जो धर्मांतरण हो रहा है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, धोखे से हो रहा है, भय से हो रहा है, लालच से हो रहा है, इसके विरोध में बजरंग दल पूरे देश में शौर्य यात्राएं निकालेगा। हिंदू समाज के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए ये विशाल यात्राएं देश के प्रत्येक ब्लॉक तक जाएंगी। बड़े शहरों में सभा होगी, हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे। देखिए, जहां तक के ये बात है कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, इसके लिए वीएचपी और बजरंग दल शौर्य जागरण अभियान चला रही है और इसको अनाउंस किया है कि पूरे देशव्यापी स्तर पर शौर्य जागरण अभियान चलाया जाएगा और लव जिहाद के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया जाए या जबरदस्ती कोई कलमा पढ़वाया जाए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। आदमी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने दिल से कलमा पढ़े और मुसलमान हो, तब तो वो। तो मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है, लेकिन बीते 2 साल के अंदर जितने भी धर्मांतरण के केस आए हैं वो मौलाना साहब को जरूर देख लेने चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस साल अक्टूबर और सितंबर के महीने में, यानी सितंबर के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में, 30 सितंबर से अक्टूबर तक एक यात्रा निकाली जाएगी जिसे शौर्य जागरण नाम दिया गया है। और इस जागरण में लोगों के पास पास पहुंचकर, लोगों के घरों तक जाकर, खास तौर से जो हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर जाकर हिंदू जागरण करेंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जिसमें बजरंग दल की काफ़ी अहम भूमिका रहेगी, जिसे
मौर्य जागरण यात्रा नाम दिया गया है और ये यात्रा खास तौर से लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर की जाएगी, जहां पर हिंदू बेटियों और तमाम जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में सचेत किया जाएगा। वहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि ये जो यात्रा है ये दिवाली के समय चुनी गई है, इसका भी मतलब साफ है कि जो साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी और हिंदू धर्म के प्रति कैसे लोगों को सचेत किया जाए इसको लेकर सौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। अब ये देखने वाला होगा कि इसका जमीन पर कितना असर होगा, लेकिन ये बात तय है कि इस बार सितंबर के अंत में और अक्टूबर की शुरुआत में यानी 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक सौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। लखनऊ से नफीस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। अब जरा हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन चलिए खास पैनल हमारे साथ हैं, उससे इस पूरे मामले पर डिस्कशन कर लेते हैं। श्रीराज नायर वीएचपी प्रवक्ता हैं, सौरभ गौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ के हैं, नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं, अतीक अहमद नेता मुस्लिम लीग के हमारे साथ हैं। आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले वीएचपी के प्रवक्ता आप ही के पास आऊंगी, श्रीराज नायर जी के पास। श्रीराज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। ठीक है, ये जो अभियान आप चलाने जा रही हैं आने वाले समय में, एक पूरा जो रोडमैप आप लोगों ने तैयार किया है, क्या इसका मकसद है, किस तरीके से इसे उकेरा जाएगा जमीनी सतह पर और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्या फोकस है आप लोगों का? देखिए, बजरंग दल शौर्य यात्रा जैसे आपने बताया सितंबर अंत से लेकर अक्टूबर के मध्य तक ये पूरे देश भर में ये जनजागरण के लिए एक शौर्य यात्रा निकाला जाएगा। अभी अभी आपके सामने आपने किसी मौलाना का इंटरव्यू लिया और मौलाना कह रहे थे हमारे इस्लाम में धर्मांतरण या लव जिहाद का प्रावधान नहीं है, तो मैं कह दूं कि मौलाना जो थे, जो मौलाना जो खुद जो बात कर रहे थे, उनके पूर्वजों के साथ ये हुआ है कि वो कौन थे वो सब जानते हैं, इनका इतिहास जिस प्रकार से इस देश के अंदर पूरे विश्व में अगर डेमोग्राफी बदलने का काम किया है तो अब्राहमिक कल्ट अब्राहमिक रिलीजियंस ने किया है। आधी दुनिया को इन्होंने ईसाई बनाया, आधी दुनिया को इन्होंने मुसलमान बनाया और ये तलवार के जोर पर ही यहाँ पे फैला है और ईसाईकरण जो हुआ है प्रलोभन की वजह से हुआ है। आज जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को आपने अपने उद्बोधन में कहा, जिस प्रकार से झूठ बोल करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदू बहन बेटियों के साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, लव जिहाद में लड़कियों को फंसा करके उनका जीवन बर्बाद करके दो तीन मुसलमान बच्चे पैदा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, दूसरी ओर लैंड जिहाद धड़ल्ले से अवैध मदरसे और मस्जिदें बन रही हैं जो टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं। हमने देखा कि हमको 2 किलोमीटर दूर पे जाना हो तो जीपीएस लगाना पड़ता है, वहां कसाब बोट में बैठ करके कराची से यहाँ मुंबई पहुंच गया और यहाँ सीएचसी स्टेशन हमारे वीटी स्टेशन में अंधाधुंध गोलियां चलाई, तो लोकल सपोर्ट के बगैर कैसे संभव हो सकता है? तो ये लोकल टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी जो चुनौतियां हिंदू समाज झेल रहा है, इस दुनिया की सारी सभ्यताओं को नष्ट नाबूद करके पुरातत्व विभाग के म्यूजियम में पहुंचा दिया गया, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई प्राचीन, लेकिन हिंदू धर्म आज भी है, 125 करोड़ लोग हैं। ये इनके जहरी और वैशी और जिहादी मंसूबे भारत में कामयाब नहीं होंगे, इसी को कुचलने के लिए शौर्य यात्रा चलाएगा। जन जन तक हम बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, विशाल यात्राएं होंगी, हमारे पूजनीय साधु संतों का प्रवास होगा गांव गांव में और हिंदुओं को एकत्रित करके ये सारे षड्यंत्रों के बारे में अवगत कराने के लिए ही मूलभूत शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाए। ठीक है, सौरभ गौड़ जी आपसे राय लूंगी इस देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा पर। देखिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही आ रही। ऐसा है कि ये यात्रा निकालना बहुत आवश्यक है, इस समय जो पिछले कुछ समय से दिखाई दे रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हर तरीके के जिहाद में, जिसमें लव जिहाद हो या के भूत जमीन का जिहाद हो या किसी भी तरीके का, ये इस्लामीकरण करने में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि सारी दुनिया दारुल इस्लाम बन जाए, दारुल हरब कोई न रहे,
ये सारी दुनिया को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं और इस्लाम में परिवर्तित प्रेम से नहीं करना चाहते, जबरदस्ती करना चाहते हैं। जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे इनके मोहम्मद साहब से लेकर आज तक, ये इनके जो मौलाना बोल रहे थे ना, इनने लगता कुरान नहीं पढ़ी इनके मौलाना साहब ने, मैं इनसे गारंटी के संग चैलेंज करता हूँ, ये कुरान को पढ़ के आए, कुरान में कम से कम 20 जगह 50 जगह ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अगर कुरान को, इस्लाम को नहीं मानता, मोहम्मद इनको, इनके अल्लाह को नहीं मानता, उसको या तो जबरदस्ती उसके से उसको अपने इस्लाम में लाया जाए या फिर उसका कत्ल कर दिया जाए। ये कैसी बात करते हैं, ये इनका जो इस्लामिक चरण जो चल रहा है उसी का एक प्रतिक्रिया के रूप में जो विश्व हिंदू परिषद करने जा रही है, इसको पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। हमारे यहाँ की संस्था धर्म रक्षा संघ पूरी तरीके से विश्व हिंदू परिषद को समर्थन देगी, हमारे यहाँ के साधु संत विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और सारे देश में इस तरीके से हिंदुओं का होगा कि अब इस्लामिक कट्टरपंथियों के पांव उखड़ने लगेंगे। ठीक है अतीक अहमद जी, अब आपके पास आऊंगी क्योंकि ये तमाम राय आपने ले ली होगी कि किस तरीके से ये अभियान रहने वाला है, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, दो जो मामले हैं वो बीते 2 में अगर मैं देखूं बहुत ज्यादा निकलकर सामने आई है, ये ऑफिशियल आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं, कितने अभी तक इसमें केस दर्ज किए गए हैं और कितने मामलों में अब तक कार्रवाई हुई और कितने मामले सच थे और कितने मामले फर्जी थे, इन सब पर कार्रवाई की गई है, ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे तो इत्तेफाक करते होंगे कि आप हाँ इस तरीके की चीजें हो रही है या आप इससे इत्तेफाक ही नहीं करते? देखिए ममता जी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो मजहब है वो इस्लाम है, उसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इस्लामी फोबा, इस्लामिया, ए चुप रहो विश्व हिंदू परिषद, खामोश, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पूरे देश का वातावरण फैला रहा है, जो दंगा कराने के लिए निकालने वाले हैं यात्रा। ठीक है सिराज जी, आपके पास में लॉजिक है, सिराज जी एक बार बात सुन लीजिए, सिराज जी एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा, और अतीक अहमद जी आप अपनी बात पूरी करिए और ए इस तरीके से डिबेट में आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, इससे शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि समाज के लोग सुन रहे हैं, मुझे अच्छे से अगर आप जवाब दे सके तो बेहतर होगा। ठीक है आप रखिए अपनी बात। ममता जी, पूरी दुनिया में इस्लाम जो है सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस्लामोफोबिया से जो लोग ग्रस्त हैं उनको इलाज अपना कराना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जो दंगेबाजी कर रखी है, अब तक कत्लोआम कर रखा है, ईसाइयों का कत्ल करना, मुसलमानों को मारना, इसी वजह से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री को शर्मिंदा होना पड़ा, इन्हीं लोगों की वजह से, कि जब एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने पूछा कि मुसलमानों पे जो वहां पर जुल्म हो रहा है उसके लिए आप क्या कानून, तो वो बगले झांकने लगे, कोई उनके पास नहीं था। लेकिन आप ये देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू मुस्लिम करके ये दंगा भड़काने की ये जो यात्रा है, बेशक दंगा भड़काने की कोशिश है, इससे बजरंग दल हिंदुस्तान में दंगा भड़काएगा और 2024 में भाजपा की राह को आसान करना चाहता है। जिस तरह से बिहार में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई, उससे इन लोगों के जो हालात पतले हो गए और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, क्योंकि इस बार और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पे केस दर्ज होने वाले हैं। कर्नाटक में ये बैन हो चुके हैं, अब पूरे हिंदुस्तान में इन पे कार्रवाई होगी, अगर इन्हीं ने एक दंगा भी फैलाने की कोशिश करी तो उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा, खामोशी से नहीं बैठा जाएगा। अल्पसंख्यक रक्षा जो है यात्रा निकाली जाएगी मुस्लिम लीग की तरफ से, अगर इन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को जरा सा भी हाथ लगाया तो इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो ये जिस लिए मुस्तहिक है ये उनको जेल में पहुंचाया जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो आप तक ठीक है अगर आप ये मानते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आप ही के इन जवाबों पर है, ये जो मामले धर्म परिवर्तन के होते हैं या लव जिहाद के होते हैं, इन मामलों के बारे में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो लड़का होता है वो अपने धर्म को छुपाता है, जब अपने धर्म पर इतने खुमार है तो फिर अपने धर्म को क्यों छुपाया जाता है? बिल्कुल, उन लोगों मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे हिंदू जो है लव ट्रैप में अपना मजहब क्यों छुपा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक लड़की को जो है छुपा के मुसलमान नाम बताकर उसको क्यों उसके साथ शादी करी गई और उसके साथ संबंध बनाए गए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो भगवा लव ट्रैप है वो क्यों छुपा के शादी कर रहा है? अगर प्यार मोहब्बत करता है तो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अपना हिंदू मजहब छुपा के मुसलमान लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं और भगवा लव ट्रैप में उनको फंसा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग ने जनजागरण शुरू कर दिया है और अब ये ऐसा नहीं कर सकते, अब हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे।
अरे आप होते कौन है रोकने वाले? नहीं आपने मेरा सवाल पूरा अरे सुना तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो जय करने वाले? 2024 के बाद भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ध्यान रखिएगा। अरे मेरी लाल के हसीन सपने होंगे तुम्हारे पर इस बात के लिए मुकदमा चलेगा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भारत के लोकतंत्र की बगावत है, ये बगावत है, तुम्हारे पर मुकदमा चलेगा। एक टीवी चैनल पे बैठ के हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा ये अलग बात है, इस्लामी राष्ट्र है समझे ना, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ना इस्लामी राष्ट्र बनेगा। भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मुल्क है, तुम जैसे गुंडों की बात नहीं चलेगी, तुम्हारे पर मुकदमा चलेगा, इस टीवी क्लिप को दिखाकर मुकदमा चलेगा। तुम भारत के संविधान की बगावत कर रहे हो और हो रही है। ठीक है, आप लोगों की बहस पूरी होगी होगी तो मैं अपनी बहस को शुरू करती हूँ। नवलकांत सिन्हा जी आपके पास आऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। नवलकांत जी, ये जो मामले धर्मांतरण और लव जिहाद किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये लव सेक्स धोखा आखिर कैसे ये मौका मिल जा रहा है और ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और अब ये रैलियां निकाली जा रही है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि हम जागरूकता करने के लिए सड़कों पर इस तरीके से अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक ये कह रहे हैं कि हम जागरूकता लाने के लिए इस तरीके के अभियान चलाएंगे। क्या देश में अब यही माहौल बन गया है कि मजहबी बाकी सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? देखिए मैं जो बात करूंगा वो तथ्यात्मक बात करूंगा। देखिए इस देश में ये जो इस देश का स्वरूप है, जो संविधान अपनाया गया है, वो सेक्युलर संविधान अपनाया गया है और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी को भी किसी भी धर्म में शादी करने की इजाजत है। लेकिन जहां तक लव जिहाद की बात है तो लव जिहाद इस देश में तमाम धर्म है, लेकिन ये आरोप केवल एक धर्म में लगता है, यानी कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं उन पे ही आरोप लगता है और लगातार केस आ भी रहे हैं जो कि एस्टेब्लिश करते हैं कि सीमित ही सही, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही या इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाले हैं। और किसी भी धर्म को यह अधिकार है कि वो अपनी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको चेताए कि नहीं इस तरह की साजिश हो रही है, इस साजिश से कम बचे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरा नहीं है, बुराई तब शुरू होती है जब ये कड़वाहट की तरफ बढ़े, जैसे कि मौलाना साहब और अन्य जो हिंदू नेता बैठे हैं वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझको लगता है कि ये उचित नहीं है। उचित मंच पे उचित तरीके से हमको बात रखनी चाहिए। ये सच है कि जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि मुस्लिम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इस्लाम धर्म, ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक के आरोप लगते हैं तो वो इस्लाम के मानने वालों पे लगते हैं। तो दो तथ्य है, इस देश का जो स्वरूप है, यहाँ पे एपीजे कलाम से लेकर तमाम लोग जो रहे जिन्होंने देश में आजादी में अग्रणी भूमिका निभाई, उसमें मुसलमान बहुत सारे हैं और ज्यादातर मेजोरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि लव जिहाद जैसी चीजें कर रहे हैं और ये हकीकत है, एक सच्चाई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। अतीक जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, अभी आपने दो तीन चीजों का जिक्र किया था जो नवलकांत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लव जिहाद जैसी चीज है, इसे भी मानना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर आपका धर्म कुछ कार्रवाई नहीं करता। मेरा सवाल यही था, शायद आपने उस वक्त सुना नहीं और आप उन बातों को इधर से उधर ले गए। ये सवाल है क्योंकि अगर आपका ही धर्म ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे तो ऐसी चीजें फैले ही ना, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपना धर्म छुपाइए और इस तरीके से चीजें करिए, ना इस्लाम ये कहता है ना हिंदू धर्म ये कहता है। देखिए ममता जी, जो नवल जी ने कहा वो बहुत अच्छी बात करी कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सेक्युलर है और वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, ये बिल्कुल सही बात है और यही बात हमको हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हमेशा से कभी तिरंगा यात्रा के बहाने और कभी जो है जनजागरण के बहाने से जो है मुल्क में जो दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, ईसाइयों पर जुल्म करते हैं। ईसाई अपने गिरजाघर में अगर दुआ कर रहे होते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं, उनको मारना पीटना। अभी आप देखिए कि एक गिरजाघर बन रहा था, वहां जाके उनको मारपीट करी और उसको गिरा दिया गया। दूसरे यह है कि मुसलमानों को देखिए, पहलू खान को मारा गया, अखलाक को मारा गया, तमाम लोगों को इन्हीं लोगों के भगवा लोगों के हाथों से मारा गया है।
तो ये आतंकवादी जो है मुसलमानों को बात नहीं, ये खुद आतंकवादी है। अगर एक इंसान भी कोई दूसरे इंसान को मार रहा है कानून के तौर पे, अगर उसको सजा नहीं मिल रही है और इंसान इंसान को मार रहा है, वो आतंकवादी है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। लेकिन क्या है कि मीडिया का फोकस सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। और रही लव जिहाद की बात, तो मीडिया तो का आपसे क्या बैर है? ठीक अति जी, ठीक है, मीडिया का आपसे क्या बैर है बताइए? वीएचपी को आपसे क्या बैर है? हिंदू को आपसे क्या बैर है? शांति वाला देश है, शांति से रहिए। इस तरीके के मामले सामने ना आए, ना वीएचपी को कोई दिक्कत होगी, ना मीडिया को कोई दिक्कत होगी, ना और लोगों को कोई दिक्कत होगी। और आप आरोपियों को, जिनको जिनकी जिक्र आप कर रही हैं, वो आरोपी हैं, उन पर सजा के आरोप लगे हैं, उन पर कोर्ट में केस चल रही है, आप उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कम से कम तथ्यात्मक बातें करिए आप। जो लोग गलत, उन्हें गलत तो ठहराइए। नहीं, अगर जिनपे कोर्ट केस चल रहा है तो उनकी उनका जिक्र नहीं किया जा सकता कि उन्होंने, अगर क्या पहलू खान को नहीं मारा गया, ये कैसी बात कर रही है? कौन सा तथ्य ऐसा है जो ये कह उन्होंने गलत किया है ना? उन्होंने क्या बलात्कारियों का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, किसने किया? इन भगवान लोगों ने किया ना? नहीं, आप कौन सी बात कर रही है ममता जी? आप कौन सी जगह वीएचपी ने मारा, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मारा है? जितने भी भगवान लोग हैं, जो आरोपी है जिसे मारा है, उसका नाम लीजिए। जो भगवा ग्रुप्स हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं सारे के सारे। अब आप देख लिए इनके क्या सभाएं होती हैं, कहती है मुसलमान ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी लड़कियों को जो है इनके धोखा दे के शादी करो। भगवा लड़ ट्रैप से आप इनकार नहीं कर सकते। नवल जी ने जो बात कही है, मेरे ख्याल में उन्होंने एक अच्छी बात करी, लेकिन आधी बात करी है। अगर उनको लव जिहाद नजर आ रहा है तो उनको भगवा लव ट्रैप भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। लेकिन दरअसल बात ऐसा है कि जो इस्लामी फोबिया से हैं, इनकी दुश्मनी हमारे क्या हो सकती है? जो लोग सिंड्रोम से ग्रसित हैं, उनका इलाज तो इलाज खाने में होगा ना, अस्पताल में होगा, हमारे समझाने से नहीं समझ सकते। ये सिंड्रोम से जो है ग्रसित है, ये इस्लामी फोबिया से ग्रसित है, इन लोगों का इलाज तो अस्पताल में होना चाहिए, तो भर्ती कराना चाहिए लोगों को। ये जो आप यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है यात्राओं को निकालने से लव जिहाद धर्मांतरण जैसे मामले खत्म होंगे? क्या आपको लगता है कि जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रही है मुस्लिम समाज की तरफ से, वो आरोपों को आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे? क्योंकि इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं और बहुत सारे मामले ऐसे निकल कर सामने आते हैं जहाँ बजरंग दल पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि हाँ, ऐसी स्थिति नहीं थी, वहां पर भी बजरंग दल ने हंगामा किया या फिर इस तरीके की चीजों को रोकने की कोशिश की जो थी ही नहीं। इन सब पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप वीएचपी पर या फिर बजरंग दल पर लगते आए हैं। ये प्रश्न मुझसे है? हाँ जी, हाँ, आपसे आपसे जी। देखिए, मैं मौलाना जी का जवाब दूंगा। पहले तो आज इस देश का सन 47 में बंटवारा क्यों हुआ? बंटवारा का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों के बंटवारे हुए, केवल भारत एक ऐसा देश था जहां भारत के मुसलमान, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और बंगाल के, भारत के हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते थे। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। देश के बंटवारे के बाद देश स्वतंत्र हुआ। देश में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू माइनॉरिटी में। आपने हिंदुओं की इन्होंने क्या दुर्गति की? ये जो मौलाना जो जाहिर लोग मदरसे है, इन्होंने कितने बार रोड पर आया, कितने बार खंडन किया। तो हिंदुओं ने जहां जहां हिंदुओं की डेमोक्रेसी बदली, जहां हिंदू माइनॉरिटी में आया, वहां इनकी आर्थिक सामाजिक हालत इतनी खराब है, स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या सबसे ज्यादा, मुफलिसी गुर्बत में ये लोग जी रहे हैं, तो खुद इनकी हालत नरक है, जहन्नम दोजख जैसी है, और दूसरों को धर्मांतरण के लिए आप जो नया तरीका लेके आए हैं, आप देख रहे होंगे इस अभियान से क्या ठीक होती है नहीं। बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम बातों का जिक्र करने के लिए। तो धर्मांतरण का खेल वीएचपी क्या इसे फेल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर इनसे कैसे निजात मिलेगा, इन सब चीजों की स्थितियों को कैसे ठीक किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं हिंदुस्तान में बात करने के लिए, लेकिन हाँ, उन मुद्दों में ये एक मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर वीएचपी ने जो प्लान तैयार किया है वो कितना सफल होगा, ये वक्त बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहां पर है, फौरन लौटते।